भौतिक संबंध लेकर के विषय वासना में पड़े हुए हैं। स्त्री पुरुष का संबंध केवल विषय वासना की तृप्ति के लिए वहां परम अधर्म है। जहां भगवान के साथ संबंध नहीं, जहां भगवान का भजन नहीं, कृष्ण आराधना नहीं, प्राणपति के साथ संबंध नहीं, वो तो परम अधर्म है। स्त्रियां यदि अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से संबंध रखता है तो उससे असभ्य, अजस, दुर्जस, निंदा और अकीर्ति पर सभी प्रकार का अन्याय अधर्म आ जाता है। इसलिए स्त्रियों को भले ही पति चाहे कैसे भी हो जाए, निर्धन हो, गरीब हो, दुखी हो, बीमार हो, चाहे कोई भी हो, साथ में रहना स्त्रियों का कर्तव्य होता है। इस प्रकार भगवान कहते हुए बोले कि हे गोपियों, तुम लोग घर में लौट जा, मेरी कथाओं को सुनना, कीर्तन करना और स्मरण करना, चिंतन करना, इससे जितना संदिग्ध होगा निकट में रह करके नहीं होगा, इसलिए घर में लौट जा। इस तरह से बड़े हर्ष परिहास कर ली और रसना श्याम सुंदर शेखर रस विलासी रस का आस्वादन करने के लिए गोपियों के साथ में हर्ष परिहास किया। अब गोपियां तो संख्या में कम नहीं है, 100 करोड़, और उनके ग्रुप की संख्या बताई गई है 16,000। अब 16,000 गोपियों के जो ग्रुप हैं, उन ग्रुपों में अब सब तरह की व्याख्या आ रही है। जहाँ मध्य, मुग्ध, प्रगल्भ और धीरा, अधीरा, धीरा धीरा सब प्रकार की है, तो उसमें तो सभी अपनी अपनी बातें कहने लगी। पहले मध्य ये मुग्ध वाली गोपियां कहने लगी, हे कृष्ण, हे प्राणनाथ, नारायण जैसे अपने स्वर्णागत जनों की रक्षा करते हैं, उनको कभी छोड़ते नहीं, ऐसे तुम भी हमें मत छोड़ो, हमारे स्वर्णागत बना करके रख लो और सारी बातें कही। तो मुद्दा वाली तो बोलती, अब मुद्दा वाली और कुछ आगे बढ़ करके बोली, हे गुरु ठाकुर, तुम तो हमारे उपदेशक हो और हमें बड़ा बड़ा उपदेश दिए हो, अब पहले किसकी पूजा करो, गुरु की पूजा, इसके बाद भगवान की पूजा, फिर घर संसार की। बोले घर संसार में तो हम पड़े हुए हैं, ऐसा दिन नहीं है जो खाना नहीं मिला और किसको नहीं दिया, हम तो खुद सेवा कर रहे हैं, अब गुरु की सेवा, भगवान की सेवा करूंगी, इसके बाद में देखूंगा। तो इस तरह से गोपियां कहेंगे, फिर वही कहती है, हे गुरु ठाकुर, अब आपने तो बड़ा बड़ा उपदेश दे दिया, अब प्राणपति देहपति सब व्याख्या सुना दी, अब प्राणपति की सेवा करूं या देहपति की सेवा करूं, देहपति समाप्त हो जाए तो उनके मुंह में अग्नि प्रदान करते हैं, मुखाग्नि करते हैं, अब उसके साथ कोई संबंध नहीं, कोई प्रति नहीं, कोई प्रेम नहीं, अब प्राणपति के साथ जहां नित्य संबंध है, अब तुम्हारे साथ हम संबंध जोड़े तो इसमें कौन सा दोष होगा। तो इस तरह से और गोपियां इस तरह से कहने लगी, हे श्याम सुंदर, तुम्हारे जो अर्धमूर्छना सर से ये वंशित धनी, इस वंशित धनी ने हमारे चित्त मन प्राण को चुरा लिया है, इंद्रियां भी चुरा ली, अब हम चले कैसे, पादों न चलो तो तब पाद मूलाद, हमारा पैर तो चलता ही नहीं है, यदि हमारे इंद्रियों में शक्ति दे दो, मन प्राण लौटा दो तो हम चले जाए, कोई चिंता नहीं है, दे दो, और तुमने हमारा सब चुरा लिया तो हम करें क्या। ऐसे ऐसे सारी गोपियां बताती रही, अंत में बोली क्या, हे श्याम सुंदर, हमें स्वीकार नहीं करना है, तुम्हारे विरह में हम शरीर छोड़ कर जा रही है, तुम चिरसुखी बन करके आनंद से लीला विहार करो, खुशी से रहो। उस समय कृष्ण ने ब्रज गोपियों के हाथ पकड़ कर गए, जबकि रास विहार करने लगे, नित्य विहार करने लगे। रास का मतलब क्या है, रास का मतलब है रस का आस्वादन करना, एक देहसुख अनुभव करना और एक भावना का आस्वादन करना, दोनों कभी एक नहीं होता है। भगवान कोई देहसुख आस्वादन करने नहीं गए, वे तो भाव रस के आस्वादक है। जबकि भक्ति स्थायी हो जाती है, स्थिर हो जाए स्थायी भाव के ऊपर भी सात्विक, संचारी और व्यभिचारी और एक प्रकार के जो भावों का समुदाय आता है, उसमें जो चमत्कारिता होती है, उसी को रस कहा जाता है। भगवान भक्तों के उस भाव रस का आस्वादन करते हैं, इस रस आस्वादन के लिए रास कहा गया है। जहाँ समस्त ब्रज लोग
दिया है और सबके भावों को एक साथ में आस्वादन कर रहे हैं, इसी का नाम है रासलीला। जबकि कृष्ण ऐसे रास रचा रहे हैं वहां पर महादेव जी जबकि उनके रासलीला को देखने के लिए बड़े आतुर हैं, लालायित होकर के आए पौर्णमासी देवी से कहा कि पौर्णमासी जी मुझे रास दर्शन करना है, कैसे संभव है, कोई उपाय बताओ। बोले कि ये उपाय है, जाओ ब्रह्म कुंड में स्नान करके आओ। तो स्नान करके आए, जब स्नान करके ऊपर उठा अब महादेव जी नहीं रहे, वे तो अब गोपी बन गई। अब षोड़शी गोपी जो कि साड़ी पहनी हुई है इस तरह से देख करके पौर्णमासी जी बड़ी खुश हो गई, पर बहुत सुंदर वेश धारण हुआ है, अब यहाँ पर बैठी रहो, जबकि रास रचाएंगे उस रास को तुम देख लेना। अब जब कृष्ण रास रचा रहे हैं, नृत्य गीत हो रहा है, ऐसे समय में कृष्ण बोले कि आज तो मेरा मन नहीं लग रहा है, कुछ मन उजागर हो रहा है, कोई भी जाती है व्यक्ति घुस गया इसमें, जब पकड़ करके लाओ कौन है उसको ढूंढो। अब गोपियां ढूंढने चली, ढूंढते वाजाना वाचेना जिससे जान पहचान नहीं, कभी देखा भी नहीं, ऐसी एक गोपी पकड़ में आ गई, हाथ से पकड़ लिया। बोले क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आई है, कौन सा गाँव है, पति कौन है, सास ससुर कौन है, अब दुनिया भर की खबर। पर पौर्णमासी जी ने इतनी पाठ तो पढ़ाई नहीं है, सिखाया नहीं, केवल इतनी बात करती कि साड़ी पहना करके खड़ा कर दिया। अभी तो ये सारी बातें नहीं है, कहाँ से उत्तर दे, अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ये नहीं बोल पा रहे। ऐसे में ही गोपियों ने मार दिया, भूल जा तो चल, भूल जा तो सी, जैसे ही मारा तो अब महादेव जी रोने लग गए। अब रोने लगे तो हाथ पकड़ करके खींच के ले गए पौर्णमासी जी, बोले अरे मारो मत मारो ना, अरे ये महादेव जी है शंकर जी भोलाना, ये तुम्हारी लीलाओं को देखना चाहते थे इसलिए मैंने गोपी बना दिया। तो उस समय कृष्ण के पास पकड़ करके ले गई, जब ले गई तो उस समय बताया कि ये यही बात है पौर्णमासी देवी बोल रही है, देखो अभी क्या बात है। तो कृष्ण अब हंसते रहे, बोले कि हे गोपियों तुम लोग प्रसन्न हो जाओ, इन पर अनुग्रह करो जो तुम्हारी लीला को देख सके। गोपियां बोली क्या हम जानते हैं, ये हमारा जिम्मेदारी है, हम जानते हैं, हम कृपा करें, ये तुम ही जानो तुम्हारी बात। तब कृष्ण ने गोपी सर ये महादेव जी को ईशान कोण में बैठा दी कि हे शंकर जी आप मेरे अतिशय प्रिय हैं, आपकी भावना का मैं निरंतर समादर करता हूँ, इसलिए आप यहीं पर बैठे रहेंगे ईशान कोण में, जो कोई व्यक्ति भजन करते हुए युद्ध बन करके मेरे लीला में प्रवेश करना चाहेंगे उसकी योग्यता को परखते हुए आप अंदर प्रवेश कराएंगे। इसलिए जोग माया जी को टिकट काउंटर में बैठा दी, बोले कि आए तुम्हें टिकट देना पड़ेगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो तुम जाओ। इसलिए लोग बैठी हुई है अब टिकट काउंटर में, अब कुछ गोपियां आए कुछ गोपियां रह गई, बोले नहीं टिकट नहीं मिलेगा अभी बाद में। जब गोपियां भी रहने अधीर हो गई, कृष्ण की चिंता में नहीं मग्न हो गई, खो गई, बोले कि जाओ अब टिकट मिल गया जाओ। तो इस तरह से जो माया जी वहां तक टिकट भी तरन करने वाले और पहरेदार के रूप में महादेव जी को बैठा दी, अब वे अब प्रवेश कराते हैं करके। तो इस प्रकार ईशान कोण में गोपीश्वर महादेव जी जो विराजमान है, जो कि कहते हैं वृंदावन बड़ी पते जय सो मौल सन सनंदन सनातन नारदेव्य गोपीश्वर प्रज विनाश युगान्द्रिपद में प्रेम प्रज नमो नमस्ते वृंदावन बड़ी पते जय सोम मौले वृंदावन अवनी पति सोम मौली चंद्र मौली सर श्री शंकर जी महादेव जी जय युक्त हो। वृंदावन बड़ी पते जय सोम मौले हे सनन सनंदन सनातन नारदेव्य हे महादेव जी हे गोपीश्वर जो कि सनन सनंदन नारद ऋषि आदि आप उन सब के भी जो पूज्य हैं नारदेव्य हे गोपीश्वर ब्रजविला
आप निरुपाधि अहेतु की प्रेम भक्ति प्रदान करें, आपके चरणों में पुनः पुनः मेरा नमन स्वीकार हो। We have to explain, or it has been done. It has been done. When things actually were heard, there are rays of the moon and unbroken disk of the moon appeared like the round face, Mukhamandal of Srimati Radhika. So seeing this beautiful moon and which resembled Srimati Radhika's face, Sri Krishna desired to perform the Rasa Leela. So therefore Sri Krishna, he played actually the flute song, and in that he uttered the cling bija, Kama bija. Hearing that flute song, all the gopis, they actually came running to that place, to the Vamshivad. When they came running to Vamshivad, Krishna asked them that, why you have come? You are the chaste woman, and you should follow the Loka Dharma, you should follow the traditions, family traditions, and you are from chaste families, respectable aristocratic families. So therefore, why you have come here in the dead of night? And this night is very dangerous. Also, it may be that there are some wild animals, ferocious animals, who may be here, and they may cause disturbance to you. Also, you are married to your husband. So woman should not forsake her husband, even if he is lame, blind, or so in any condition poor, one should not, a chaste woman should never abandon her husband. So in this way, he began to joke with the gopis. So that time the gopis told that you actually called us. There are many. Actually, 10 million gopis came there, but among the 10 million gopis, there were 16,000 different groups. So there were Mugdha and other types of gopis. So some Mugdha gopis told that actually you called us, so therefore we have come here. So in this way, the gopis told that because of attracted to your flute song, we have come here. So in this way, this Rasa Leela pastime is the crest jewel of all the pastimes. Now Shankarji, he has actually desired, he was in Kailash and he wants to see this Rasa Leela pastime. So therefore, he wants to enter into Vrindavan. But on the Vrindavan gate, he was stopped by the Paricharika gopis, the guardian gopis, they stopped him. But Shankar is not very easy to pacify. So immediately he approached, he began to perform austerities to actually satisfy, propitiate Purnamasi Devi. And Purnamasi Devi was pleased with Yogamaya. Purnamasiri was pleased with him and said, what is your desire? Shankarji said that I want to see the Rasa Leela. Then Purnamasiri said, she grabbed his hand and dipped him in the Brahma Kunda. When Shankarji was dipped in the Brahma Kunda, he emerged out of it as a gopi. And then Purnamasiri told him, now you should sit in the northeast Kunja of Rasa Leela and you should watch this Rasa Leela. So Shankarji sat there, but that day Krishna told and gopis told that today I am not experiencing happiness in the Rasa Leela. So it seems that some vijatiya person, some person with incompatible mood has entered our Rasa Leela. So gopis began to search the entire puja and they saw that Shankarji was sitting in the corner there in the form of Gopishwar. He was in the form of a gopi. So gopis inquired from him, inquired from her that, oh, what is the name? What is your name? What village you belong to? Who's your mother? Who's your father? Who's your husband? What is the name of your in-law? So many questions they asked from her, but Gopishwar could not reply because Purnamasi Devi had not described his identity to him. So therefore, all the gopis became angry and they began to punch him. And her cheeks actually became full like relish. So that time,
Gopeshwar began to weep. So that time Purnamasi appeared there and she told Sri Krishna that she is the recipient of my mercy. So therefore she is actually Shankar Bholanath. So you should give some mercy to her. So then Krishna, he told the gopis that you should give your mercy. And then it was decided that Shankar should guard the northeast corner, Ishan Court of Rasalila Mandal, and he will prohibit unqualified persons from entering into Rasalila, and he will grant entry to the persons who have been qualified and have taken shelter of mercy, Krishna like our Guru there, to enter into Rasalila. ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पहले भी उन्होंने कुछ प्रार्थना की है, ये वृंदावन के संबंध में सुना, कैसा वृंदावन है जहां पर गोपियों का के साथ में कृष्ण ने रास किया, सारी ऋतुओं के फूल दिन और रात के सभी फूल खिल गए और गुंजार करने लगे, और कृष्ण ने बंसी कैसे बजाई उस वृंदावन में, सारी गोपियां आई, शंकर जी भी आए, देखना चाहते थे रास, गोपियों ने उनको रोक दिया था वृंदावन के दरवाजे पर ही, उन्होंने कहा जी कैसे हम रास देख सकेंगे, उन्हें जब पौर्णिमासी जी की तुम सेवा करो उनको प्रसन्न करो, बहुत दिनों तक उनकी आराधना की, आराधना के पास पश्चात योग माया प्रकट की, क्या चाहते हो तम रास लीला दर्शन, बस उनका हाथ पकड़ देते जबरदस्ती ब्रह्म कुंड में डुबा दिया, हाथ पकड़ करके डुबा दिया, और वो गोपी रूप में जब ऊपर उठे गोपी रूप, तो मैं एक बार बैठो किंतु वंश गोपी के घर में तो जन्म हुआ नहीं, किसी गोपी के साथ में शादी हुई नहीं, पति है नहीं, सास ससुर भी नहीं है, कोई ग्राम जहां पर तो उनका जन्म वो भी तो है नहीं, गोपियों ने पूछा तुम्हारे पति का खसम का नाम क्या है, विवाह हुआ हो तो तब तो बतला है नहीं बतला सके, जब तुम्हारे पति का नाम क्या है, वो कौन गांव की रहने वाली है, तुम्हारे सास ससुर कौन है, कुछ नहीं बतला सकते, उन्होंने गुच्छों से मार करके बाल हुआ जैसा उनका काम खुला दिया, इतने में रोने लगे जो घुमाया जी आई और बोली हमारा कृपा पात्र है आप लोग कृपा, तब कृष्ण और गोपियों ने उन पर कृपा की, तब कृष्ण ने वरदान दिया जो कोई वृंदावन में प्रवेश करके हमारी लीलाओं को दर्शन करना चाहता है उसको तुम कृपा करके अधिकार और अनाधिकारियों को ऐसे वृंदावन में तदभूरी भक्त्य विहा जन्म की मटप्यम जद गोकुले कत मंगलो जीवितंतु निखिलं भगवान मुकुंद ब्रह्मा जी का कहो श्रुतियां भी जिनके चरण की धूलि को आज तक नहीं ढूंढ पा रही है, वो मुकुंद मुकुंद के चरणों की आज भी श्रुतियां ढूंढ रही है चरण की धूलि, मुकुंद कौन, मुकुंद जिनकी जीवन प्राण धन सब कुछ है वे ब्रजवासी, और उनमें से भी विशेष करके गोपियों,
उनमें किसी भी गोकुलवासियों की चरणों की धूली मुझे मिल जाए वो धूली मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, मेरा जन्म जन्म संबंध हो जाएगा। पहले श्लोक में इससे पूर्व वाले श्लोक में उन्होंने प्रार्थना की थी ना सभूत भाव अत्र नीनाको अभी भवजना इस जन्म में हो अथवा दूसरे जन्म में हो अथवा पशु पक्षी की इत्यादि में किसी जन्म में भी मेरा सौभाग्य हो कि आपके दासों में से एक दास हो गया और आपकी सेवा कर, तो उस समय में इसलिए उसके लिए इस श्लोक में कह रहे हैं, इस लोक में या गोकुल पद में किसी भी जन्म में तीर्थ गुण लता इत्यादि के निकृष्ट जन्म में भी मैं अपना परम सौभाग्य समझूंगा कि गोपियों की व्रत गोकुल बाचों के किसी के चरण की खुली हमारे से विशेष करके सुना चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं गोकुलेप। पहले ब्रह्मा जी ने सोचा यदि किसी प्रकार से मेरा जन्म वृंदावन में हो जाता तो बहुत ही सहज ही को सौभाग्य मिल जाता गोपियों की जन्म या परिवार कृष्ण ने कहा ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तुम इसके अधिकारी नहीं हो, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या या कुछ ऐसा कार्य किया है जो वृंदावन में तुम्हारा जन्म होगा नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी का गोकुल में भी हमारा जन्म हो जाए कैसा जन्म हो जाए वहां गोकुल में नंद बाबा इत्यादि के घरों में जो जमदानियां टट्टी फेंकने वाली होती है टट्टी फेंकने के बाद में जब घर में लौटती है तो पत्थर पर अपने पैरों को रगड़ती है साफ करने के वो पत्थर भी यदि मैं वो जाऊं चीज पर कि वो जमदानियां पत्थर रगड़ करके साफ करे तो भी मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा ये मिलता बन धाम तो इसके द्वारा भगवान के भक्तों से संबंधित किसी भी जन्म को प्राप्त करके प्रचुर रूप में भगवान की सेवा संभव हो सकती यहां पर उद्धव जी के और